हमारे सिनेमा के पटल पर हर साल सैकड़ों फिल्में दस्तक देती हैं। कुछ सफल होती हैं, बहुत सी असफल, लेकिन सिर्फ कुछ ही फिल्में होती हैं जो कई दशकों तक याद रह जाती हैं। पर इससे भी कम संख्या ऐसी फिल्मों की हैं जो अपने समय पर तो व्यावसायिक रूप से असफल रह जाती हैं, पर बाद में उसे लोगों और समीक्षकों का बेतहाशा प्रतिष्ठा व सम्मान मिलता है। ऐसी फिल्मों को लेकर समीक्षक हमेशा चिंतन में लगे रहते हैं कि आखिर इतनी अच्छी फिल्म असफल कैसे हुई। ऐसी ही एक नया फिल्म का नाम है अग्निपथ। अग्निपथ की विफलता की कहानी 80 के दशक के खत्म होते होते देखी जा सकती है। तब तक अमिताभ ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी धाक जमा रखी थी। उनकी फिल्में शायद ही कभी फ्लॉप हुई, और यहाँ तक कि उनकी तथाकथित फ्लॉप फिल्मों ने अन्य अभिनेताओं की सुपरहिट फिल्मों से अधिक कमाई की। सच तो यह है कि अमिताभ की कोई भी फिल्म मुश्किल से घाटे में रही हो। असल में इनमें ज्यादातर फिल्में अंडर परफॉर्मर थी, जिन्होंने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। इनमें से ज्यादातर फिल्में किसी ठोस स्क्रिप्ट की मसाला फिल्में थीं, जिसमें अमिताभ पूरी फिल्म पर हावी रहते थे और उनकी ही बदौलत ये करोड़ों का कारोबार करती थीं। आगे चलकर अमिताभ ने राजनीति में शामिल होने के लिए फिल्मों से कुछ समय की दूरी बना ली थी, पर उनकी राजनीतिक गाड़ी चली नहीं और उन्होंने फिर से फिल्मों की गाड़ी पकड़ ली। राजनीति में असफल कार्यकाल के बाद भी वो 1988 में 2 साल के इंतजार के बाद फिल्म शहंशाह के साथ बड़े पर्दे पर लौट आए, जिसे दशक की सबसे बड़ी फिल्म के रूप में प्रचारित किया गया था। सबको उम्मीद थी कि शहंशाह फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। फिल्म को प्रति क्षेत्र 85 से 90 लाख की रिकॉर्ड कीमत पर बेची गई और 15 लाख हर टेरिटरी में प्रमोशन पर खर्च किया गया, जिससे फिल्म की कुल कीमत करीब 5 करोड़ 20 लाख से लेकर 5 करोड़ 40 लाख रुपए की हो गई। पर जब यह फिल्म रिलीज हुई तो क्रिटिक्स ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। अमिताभ के अभिनय की तो प्रशंसा हुई, पर बाकी कुछ भी समीक्षकों को रास नहीं आया। लेकिन फिल्म को रिकॉर्ड ओपनिंग मिली और इसकी शानदार शुरुआत के चलते इसने 6.5 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म ने बॉम्बे क्षेत्र में 1.60 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया, लेकिन कई अन्य क्षेत्रों में असफल रही। कुल मिलाकर फिल्म ने कारोबार तो किया, लेकिन इससे जो उम्मीदें थी उससे कम। यहीं से अमिताभ बच्चन के गिरावट के संकेत दिखने लगे थे। उनकी अगली फिल्म मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित गंगा जमुना सरस्वती रही। मनमोहन देसाई ने अतीत में अमिताभ बच्चन के साथ बैक टू बैक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी। फिर से फिल्म को प्रति क्षेत्र 75 लाख रुपए में बेचा गया, लेकिन फिल्म ने मुश्किल से अपना खर्चा वसूल किया और क्रिटिक्स ने इसे अमिताभ बच्चन की सबसे खराब फिल्मों में से एक माना। साथ ही फिल्म को एक व्यावसायिक रूप से असफल फिल्म भी घोषित कर दिया। फिल्म ने लगभग 5 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की, जो कि अमिताभ की फिल्म के हिसाब से काफी कम था। इसके बाद मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई की फिल्म तूफान आई, जिसे 4 करोड़ की कीमत पर बेचा गया था और इसने 5 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए। ये फिल्म फ्लॉप नहीं, औसत थी, पर फिर से अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई के बैनर के हिसाब से इसका प्रदर्शन कमजोर माना गया। अभी तक अमिताभ की फिल्में ठीक ठाक पैसा कमा रही थी, लेकिन अभी उनका खराब दौर आना बाकी था। मनमोहन देसाई के बाद एक अन्य स्टार निर्देशक प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित फिल्म जादूगर आई। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ जंजीर, लावारिस आदि कई हिट फिल्में बनाई थीं, लेकिन फिल्म जादूगर अमिताभ बच्चन के कैरियर की अब तक की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई, जिसने 1.80 करोड़ रुपए की कमाई की थी और लगभग एक दशक के बाद अमिताभ की कोई फिल्म डिजास्टर साबित हुई। इसी साल अमिताभ बच्चन टीनू आनंद के निर्देशन में एक कम बजट की फिल्म मैं आजाद हूँ में काम किया, जो कि मात्र 20 लाख प्रति क्षेत्र में बिकने के बावजूद अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाई। केवल 1.25 करोड़ रुपए कमा कर ये फिल्म अच्छी होते हुए भी फ्लॉप हो गई। साफ था कि अमिताभ बच्चन का स्टारडम अग्निपथ के आते आते डावाडोल होने लगा था और इसका बहुत बड़ा असर अग्निपथ पर भी पड़ा। इस समय तक आते आते अमिताभ बच्चन को एक जबरदस्त हिट की सख्त जरूरत थी, जो कि उन्हें अग्निपथ के रूप में नजर आ रही थी। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अपना चिर परिचित अंदाज बदलकर एक नए तरीके का किरदार निभाने की कोशिश की। साथ ही अपने अभिनय को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने अपनी आवाज भी बदलने की कोशिश की, पर यह एक ऐसा प्रयोग रहा जो बुरी तरह से विफल हुआ। लोगों को लगा
कि फिल्म की साउंड में कोई समस्या है। थक हार कर निर्माताओं ने इसे अमिताभ की असली आवाज में डब करके पुनः रिलीज किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो गया था। उन दिनों प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा ने अपनी पत्रिका फिल्म इन्फॉर्मेशन में फिल्म की समीक्षा लिखते हुए कहा था कि धर्मा प्रोडक्शंस की प्रस्तुति अग्निपथ शुरू से ही भारी हिंसक और तनाव से भरी है। फिल्म में कॉमेडी सीन्स तो हैं, लेकिन वे बहुत कम हैं। इसके स्क्रीन प्ले में काफी दोहराव है, साथ ही अपनी कहानी के हिसाब से काफी लंबी है। फिल्म के इमोशंस में गहराई की कमी है और कुछ खास वर्गों को देखकर बनाई हुई सी लगती है। शुरुआती दृश्य और उसके बाद के कुछ दृश्यों में कुछ भावनात्मक और साथ ही क्लास अपील है, लेकिन उस प्रकार का नहीं जो कि दर्शकों को हिला सके। फिल्म की सबसे बड़ी कमी है अमिताभ बच्चन की आवाज, पर डायलॉग्स कहीं कहीं दमदार लगते हैं। उन्होंने संवादों को एक अलग अंदाज में बोला है, जो कि गॉडफादर में मार्लन ब्रांडो के अंदाज से प्रेरित लगता है, और शायद यह दर्शकों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही मिक्सिंग क्लियर नहीं होने के कारण उनके डायलॉग्स जगह जगह समझ से परे हैं। अमिताभ बच्चन कई जगहों पर थके हुए से दिखते हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में उनका बेहतरीन काम है। साथ ही फिल्म में उनका मिजाज शानदार है। फिल्म की ऐसी समीक्षा की तरह बाकी समीक्षकों ने भी माना कि अमिताभ की आवाज लोगों को पसंद नहीं आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिल्म की असफलता का तीसरा कारण था इसके बनने में होने वाली देरी। फिल्म की शूटिंग तो 1987 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन रिलीज होने में 2-2.5 साल का समय लग गया। इस दौरान अंडरवर्ल्ड पर कई फिल्में रिलीज हुई, जैसे कि कमल हासन की नायकन, फिरोज खान की दयावान, जेकी श्रॉफ की परिंदा, मिथुन चक्रवर्ती की मुजरिम आदि। यहाँ तक कि मिथुन की मुजरिम और अमिताभ बच्चन की अग्निपथ दोनों ही अस्कार फेस फिल्म से प्रभावित होकर बनाई गई थी। जब अग्निपथ बननी शुरू हुई तो ये विषय नया था, लेकिन फिल्म रिलीज होते होते इस विषय पर कई फिल्में बन चुकी थीं। इस देरी के कारण फिल्म का बजट भी काफी हद तक बढ़ गया था। मुंबई में तो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन को मुनाफा हुआ, लेकिन छोटे नगरों में डिस्ट्रीब्यूटर्स को 10% तक घाटा उठाना पड़ा। अग्निपथ जब रिलीज हुई तो हमेशा की तरह पहले हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, लेकिन पहले 2 हफ्तों के बाद कमाई में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। कहा जाता है कि बिहार के सिनेमा हॉल्स में फिल्म को 4 हफ्ते में ही निकाल दिया गया था। पहले हफ्ते 1,65,00,000 रुपए कमाने के बाद फिल्म ने दूसरे हफ्ते 1,50,00,000 रुपए कमाए, तीसरे हफ्ते 1,18,00,000 रुपए कमाए, चौथे हफ्ते 85,00,000, पांचवे हफ्ते 50,00,000 और छठे हफ्ते 25,00,000 रुपए कमाए। इस तरह से इसने कुल 5,75,00,000 रुपए कमाए और साल की चौथी सबसे सफल फिल्म साबित हुई। पर अपने बड़े बजट के कारण फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स को 4 करोड़ रुपए लगाकर 3,90,00,000 रुपए ही प्राप्त हुए। फिल्म की असफलता का एक और बड़ा कारण इसके निर्देशक मुकुल आनंद का ट्रैक रिकॉर्ड है। तकनीकी रूप से दक्ष मुकुल आनंद बेहद खर्चीले निर्देशक थे और उनकी फिल्में अक्सर बड़े बजट में बनती थीं। लेकिन बतौर निर्देशक उनका सक्सेस रेट बेहद खराब था। 1987 की इंसाफ और 1991 की हम को छोड़कर उनकी फिल्में व्यावसायिक रूप से नहीं चली। कानून क्या करेगा, एतबार, सल्तनत, मैं बलवान जैसी फिल्में नहीं चली थीं, और इस कारण मुकुल आनंद का ग्राफ काफी नीचे आ रहा था। अग्निपथ की रिलीज से 1 महीना पहले मुकुल आनंद की एक अन्य फिल्म महासंग्राम रिलीज हुई, जो कि अच्छी फिल्म होने के बावजूद भी असफल रही थी, और इसका भी असर अग्निपथ पर देखने को मिला। अमिताभ के अलावा 1989 के बाद मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम भी डावाडोल होने लगा था। उन्होंने 1989 में रिकॉर्ड 19 फिल्मों में काम किया, पर उनमें से सिर्फ 4 फिल्में ही हिट रही। ये फिल्में थी दाता, इलाका, मुजरिम और प्रेम प्रतिज्ञा। इस तरह से कहा जा सकता है कि फिल्म अग्निपथ से मिथुन ने भले ही अपने अभिनय का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, पर इसे सफल नहीं बना पाए। पर इन सब के बावजूद अग्निपथ को हिंदी सिनेमा का मील का पत्थर माना जाता है। बहरहाल इस वीडियो में यहीं तक। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।